गुड इवनिंग। एक और टॉपिक समझते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेफिनेशन समझिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट ये कहता है कि भाई ये जो सर्किट है इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ, बराबर ध्यान देना, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस सच एज बल्ब एक्सेट्रा, स्विच की, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू विच द करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं यहां पर। इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ, कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। तो ये जो ब्लू पार्ट है ये सब वायर्स है, और क्या ये कंटिन्यूअस है? यस इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, तो ये ब्लू पार्ट वायर्स हो गए, एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक बल्ब। तो ये बल्ब जो दिख रहा है एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमने क्या सुना कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, सर्किट के अंदर जिसके थ्रू भी करंट पास होगा वो सब के सब हम क्या मान सकते हैं, वो एक रेजिस्टेंस है। बिकॉज वो लोग कुछ ना कुछ करंट जब उसके थ्रू पास होता है तो कुछ ना कुछ करंट को वो यूज करते हैं जब उनके थ्रू वो पास होता है। तो ये सब के सब करंट को अपोज करते हैं, उनके फ्लो को अपोज करते हैं। तो ये सब के सब क्या है, रेजिस्टेंस है। तो वही बात है कि कंटिन्यूअस पाथ कंडक्टिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक बल्ब, स्विच की, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। तो ये देखो ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। देखो ना, ये स्विच की, ये बल्ब, क्या इन दोनों के बीच में है ना? तो इट इज बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल और अ बैटरी अलोंग विच द करंट फ्लोज, और इसके थ्रू ही करंट फ्लो होगा, बराबर। ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव ऐसे करंट जाएगा, ऐसे और ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट का डायरेक्शन होगा। तो अलोंग विच द करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो क्विक रिविजन, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्या कहता है, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक बल्ब, स्विच की, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी अलोंग विच द करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट।